हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दो पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे और आपको बताना चाहता हूं कि उन शेयरों में आपको विद इन थ्री मंथ्स में आपको अच्छा खासा 40% का एक दूसरे में 25-30% तक का आपको रिटर्न्स मिलता हुआ नजर आएगा। कैसे मिलेगा, कौन से शेयर है, अच्छे शेयर है या नहीं है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। पर बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाता रहूं, ताकि आपका पैसा बनता रहे और दूसरे लोगों को भी इस चैनल के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि अकेले पैसे कमाने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं है। दूसरों को साथ लेकर चलोगे तो यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑलवेज कहता हूँ। हाथ पकड़ के चलोगे तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स देगा, आप भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। पर बिफोर दैट आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कल की डेट में इंफोसिस के रिजल्ट आए थे, डिविडेंड बायबैक की न्यूज आई थी, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था पूरा, इसे जरूर देख लीजिएगा जिसके पास भी इंफोसिस है, और नहीं भी है तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि बेहतरीन कंपनियों के रिजल्ट देखने चाहिए। एज वेल एज बात करें, यहां पर एक और शेयर है, शुड वी लीव मार्केट इन क्रैश, तो इस तरीके के कि 99% रिटेल इन्वेस्टर भाग जाते हैं और केवल 1% ही कमा पाते हैं, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज है। तो मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे। अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है, यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट होगा, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट में, जो कि श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इनकी वेबसाइट पर लिया जाएगा, और आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी दान देना चाहे वो दान दे सकते हैं, और दान देना एक पुण्य का काम होता है, हमेशा याद रखना, उसमें पैसे हमेशा बढ़ते ही है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि 40% का अपसाइड मिल जाएगा या फिर आपको 30% का मिल जाएगा, तो इस तरीके की जो है जो बातें हैं, कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, एक बेस है, एक न्यूज़ है, उससे रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आरती ड्रग्स में आपको ये शेयर 1000 रुपये तक आने वाले 2-3 महीने में, और अभी रिजल्ट का भी टाइम है, अगले महीने शायद इसके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, तो एक बार रिजल्ट इसके अनाउंस हुए उसी टाइम शायद बाईबैक की इसकी न्यूज़ है, आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं द बोर्ड हैज अप्रूव बायबैक अप टू कितने, मतलब 6 लाख इक्विटी शेयर्स। तो देखिए, आपको मेरे ख्याल से रिकॉर्ड डेट तो जा चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 रुपीज का पर शेयर का यहाँ पर वैल्यू है, तो रिकॉर्ड डेट आई थिंक जा चुकी है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये शेयर एक तो बेहतरीन शेयर है, और किस तरीके से इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, अच्छे खासे लेवल पर यह भागा है, इसने जो मल्टीबैगर रिटर्न दिए, बट ऊपर से जिस तरीके से गिरा है, तो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन फेज था, ये फेज इसलिए था, आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज यहां पर कोविड के केसेस कम हो गए थे, बट अब कोविड के केसेस में स्पाइक आ गया है। आरती ड्रग्स जरूर चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि ये बहुत सारे APIs में काम करता है, आपको बताना चाहता हूं, जो बुखार वगैरह से रिलेटेड दवाइयां बनाते हैं, APIs क्या होता है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, हमेशा बताता हूं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट्स, मतलब सिर दर्द के लिए जो इंग्रीडियंट यूज होता है ताकि सिर का दर्द खत्म हो जाए, तो उस कंपनी में काम करता है, और उसमें लीडर है अपना, छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसलिए बताना चाहता हूं, अच्छा खासा इसने ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, बट अभी एक मतलब बात करें 6-7 महीने कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, और इसमें अब देखिए ये शेयर 1000 रुपये से 1100 रुपये के आसपास आके, 1000 रुपये के आसपास आके ये मतलब कंसोलिडेट नीचे आया था, और अभी जो बाकी है 42% का रिटर्न आपको दे सकता है ये। अगर इसी की बात करें, जितना नीचे आए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके एक्यूमुलेट करने ना, और मुझे जो लगता है, जो मेरा मुझे पर्सनली लगता है, 1-2 महीने के अंदर अंदर ये शेयर आपको 42% के रिटर्न देता हुआ नजर आएगा डेफिनेटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं 38% की डिलीवरीज उठाई गई है आज की डेट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, FIDIs बोनस यहाँ पर देता हुआ मिला था, एज वेल इंटरिम डिविडेंड कंपनी देती हमेशा अनाउंस करती रहती है, रिजल्ट इसके आने वाले हैं, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। यहां पर देख सकते हैं बायबैक की न्यूज आई थी, बायबैक यहां पर अगर बात करें, यहां पर कुछ रिकॉर्ड डेट भी थी, रिकॉर्ड डेट भी यहां पर निकल चुकी है, बट ये शेयर अब हेड करेगा कहां की तरफ, ये करेगा 1000 रुपीज की तरफ। और बात करें यहां पर कुछ, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये शेयर यहां से गिरता हुआ और यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ हमें साफ नजर आ रहा है, ऊपर गया फिर उसके बाद फिर नीचे आया, काफी लोगों ने खरीद रखा, 703 रुपए के आसपास चल रहा है, और यहां पर अगर देखते हैं 1000 रुपए तक का लेवल, तो 42% के आपको रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं साफ।
जो कि मुझे लगता है कि अभी जब इसके रिजल्ट आएंगे और जब इसका बायबैक दोबारा जब ये शेयर जाएंगे तो ये शेयर ऑटोमेटिकली इस लेवल पर आ जाएगा। क्यों क्यों आ जाएगा? क्यों आपको आपको पता ही है कि टीसीएस का भी यहाँ पर बायबैक आया था, और जब बायबैक आया था 2600 2700 2800 रुपये का ये शेयर चल रहा था, ओके। और उसके बाद से जो इसने यहाँ पर अगर देखा जाए इसी लेवल पर यहाँ पर बायबैक आता हुआ हमें नज़र आया था, और फिर उसके बाद बायबैक 3000 रुपीज़ के आसपास का शेयर था, और फिर उसके बाद जो शेयर था 3000 से भी ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दिया था। तो आरती ड्रग्स, इसे दो तीन तरीके से फ़ायदा हो रहा है। एक तो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस बार के रिजल्ट फिर दोबारा बेहतरीन आने वाले हैं। इसके रिजल्ट, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। और अब बात करें यहाँ पर, अच्छा खासा ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, और यहाँ पर बायबैक की न्यूज़ है तो ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दूसरा शेयर, कल ही इन्फोसिस के रिजल्ट आए, इन्फोसिस से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसका भी बायबैक है 1750 रुपये का, जो कि आने वाले 3 महीने में आई थिंक आता हुआ दिखेगा। जब ये शेयर बायबैक के करीब आएगा, जब डेट आएगी जब बायबैक में ये शेयर लिए जाएंगे, तो ये शेयर ऑटोमेटिकली उसी उसी रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है, बट अभी इसके रिजल्ट में थोड़ी सी मार्केट के हिसाब से सही नहीं आए, जिस जो एक्सपेक्टेशन थी वो उसे मीट नहीं कर सका, इसलिए ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ हमें नज़र आया। और आज के दिन भी यहाँ पर देखिए अच्छी खासी गिरावट थी, बट यहाँ से इसने बाउंस बैक करता हुआ हमें साफ नज़र आया है। बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अच्छा है। इन्फोसिस कंपनी दूसरी इंडिया की लीडिंग अगर बात की जाए अच्छी बड़ी कंपनी है, जो कि आईटी कंपनी है, और यहाँ पर आज की डेट में भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 90 लाख शेयर यहाँ पर आज की डेट में उठाए गए। क्यों उठाए गए? इसी वजह से उठाए गए कि क्या बायबैक की न्यूज़ आ गई है, 9200 करोड़ रुपए का, मतलब बिलियंस की बात हो रही है। यहाँ पर 1750 रुपए के हिसाब से यहाँ पर आईटी ये कंपनीज बायबैक कर रही है, और ये इसकी ये जब बायबैक आएगा तो 1750 नहीं 1800 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर थोड़ा बहुत और गिर सकता है, तो अगर ये 1300 के आसपास ये शेयर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप इसे एक्वायर कीजिएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए टीसीएस ही भागा था विप्रो जब इसमें बायबैक आया था, एज बात करें विप्रो, विप्रो में भी देखिए इसी तरीके से बायबैक आया था, और बायबैक जब 350 के आसपास शेयर चल रहा था 400 रुपीज तक गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज। तो इसलिए बताना चाहता हूँ ये शेयर भी आरती डक्स हो गया। और इन्फोसिस अगर बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस में भी सेम चीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट मुझे दीजिएगा, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये शेयर यहाँ से करेक्ट होता हुआ नजर आया, थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकता है, बट डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, ऊपर नीचे रिजल्ट होते रहते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1360 रुपये के आसपास ये शेयर अभी चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ओके, तो अगर हम यहाँ पर से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं 1750 रुपये के आसपास का शेयर प्राइस अगर हम देखते हैं, ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए लगभग 30% के आसपास की यहाँ पर ना अपसाइड आपको साफ दिखाई दे रही है, और 30% के आसपास आपको रिटर्न मिलते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। तो इन्फोसिस में बाइंग एज वेल एज बात करें आरती ड्रग्स, दोनों ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, ओके। और जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे अभी केसेस, क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि देखिए बंगाल, ओके, अभी वहाँ पर लॉकडाउन वगैरह कुछ न्यूज़ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन, ओके। इलेक्शन ख़त्म हुए, दोबारा कोविड केस वहाँ पर भी बढ़ेंगे, ओके। जहाँ जहाँ पर के इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको पता ही है किस तरीके की भीड़, थाउजेंड ऑफ पीपल्स वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर कोरोना नहीं हो रहा, आपको बिल्कुल ताज्जुब होना चाहिए इस बात पर। तो आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर एक्यूमुलेट करके रखिए, इन्होंने पहले भी परफॉर्मेंस करके दिखाया, और जब तक कोविड रहेगा तब तक ये परफॉर्मेंस करते दिखाई देंगे, एज वेल एज इन्फोसिस। इन्फोसिस पर बिल्कुल भी जब भी नीचे गिरे बायोन डिप्स करिएगा। यहाँ पर अगर बताऊँ, यहाँ पर लास्ट टाइम के क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, फिर उसके बाद 1250 रुपये तक ये शेयर आया था, फिर उसके बाद अच्छी खासी 1450 रुपये, मतलब बात करें तो 200 रुपये का अपसाइड बहुत कम टाइम में दिखा दिया था, फिर नीचे गिरने की कोशिश में है, नीचे गिरेगा और इस बार उठा लीजिएगा, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर आई थिंक बायबैक आता हुआ हमें नज़र आएगा, और बायबैक आते ही साथ आपको अच्छे खासे 30% के रिटर्न्स अभी के हिसाब से मिल जाएंगे, और नीचे आ जाता है तो और भी ज़्यादा आपका इंक्रीज लेवल हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो थी, इन दोनों शेयरों को बिल्कुल मत छोड़िएगा, दोनों शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, ओके। अपने जब भी बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिले करिए, और बताना चाहता हूँ कि अगर ये कोई मेरी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली बात करिए इससे रिगार्डिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को, जो कि आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े और अच्छी खासी वीडियो आपको मिलती रहे और आप पैसा कमाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।